जानकारी के लिए धीरज। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की, जहां शराब घोटाला इस वक्त सिर चढ़कर बोल रहा है क्योंकि ईडी ने शराब घोटाले को लेकर के शिकंजा कसा है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस सरकार आई थी सत्ता में, लेकिन कांग्रेस सरकार में ही 2000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। शराबबंदी का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने, और उसके बाद उनको सत्ता हासिल हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले को लेकर रायपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट फाइल की है, जिसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने इसमें कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरुणपति त्रिपाठी को आरोपी बनाया है। शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों, होटल कारोबारी नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह को भी ईडी ने आरोपी बनाया है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि इन लोगों ने मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। तो समझा जा सकता है कि इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, महापौर के भाई और साथ ही साथ नौकरशाह भी शामिल है। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि इन रुपयों को कुछ राजनीतिक साझेदारों के साथ बांटा भी गया। शराब सिंडिकेट में वरिष्ठ नौकरशाह, नेता और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। 13,000 पन्नों की चार्जशीट में कारोबारियों और अधिकारियों के बीच हुए व्हाट्सएप चैट से लेकर शराब घोटाले के सिंडिकेट के बीच कामकाज का ब्यौरा है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने साल 2019 से 2022 के बीच प्रदेश के बड़े शराब घोटाले का पर्दाफाश किया था। इसमें 2000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। दरअसल शराबबंदी का वादा करने वाली राज्य की कांग्रेस सरकार ने राज्य में शराब पीने के चलन को और प्रश्रय दिया, और ये जो आरोप है लगातार बीजेपी भी लगाती रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य सरकार एक तरफ फ्री बी का वादा करती है और दूसरी तरफ लोगों को शराब पिलाकर एक्साइज टैक्स वसूलती है। इस घोटाले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शराब लूट का एक जरिया बन गया है। बीजेपी का कहना है कि आबकारी विभाग विपक्ष की सरकारों के लिए लूट का जरिया बन गई है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ दोनों इसकी एक बानगी है। और यह आरोप बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराब जो है लूट के लिए एक बानगी, लूट के लिए एक जरिया बन गया है, और छत्तीसगढ़ की सरकार हो और चाहे दिल्ली की सरकार हो, वो उसका एक मिसाल, उन्होंने उसकी एक मिसाल कायम की। क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, आइए सुनते हैं। शराब के माध्यम से इलीगल कमाई आजकल विपक्षी सरकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार बन गया है। छत्तीसगढ़ में जो एक्साइज में लिकर सेल होती है, बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बना के किस तरह से 2161 करोड़ की लूट हुई है, जो सरकार को आनी चाहिए थे। तो इस लूट पर बीजेपी हमलावर है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ईडी ने इस पर कार्रवाई की, शिकंजा कसा 2019 से ही इस पर कार्रवाई कर रही है। किस तरह से ये तार जुड़े, कैसे ये खुलासा हुआ और अब किस तरफ ये मामला जाता हुआ दिख रहा है? चार्जशीट फाइल हो चुकी है, क्या कुछ खुलासे किए हैं? ठीक है, बिल्कुल निखिल, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम था और इस क्राइम में कई सारे लोग शामिल थे। इसमें नौकरशाह शामिल थे, इसके अलावा जो सत्ताधारी दल के तमाम जो बड़े लोग हैं उनका इसमें नाम था। और ये मामला एक्चुअल में खुला इस तरीके से कि एक व्हाट्सअप चैट वायरल हुई थी, और उसके बाद जब ये बात निकल कर सामने आई कि शराब को लेकर एक बड़े पैमाने पर घोटाला छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आपने देखा भी था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने वायदा किया था कि यहाँ पर शराबबंदी को लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद घर घर शराब पहुँचाने का काम किया गया, जहाँ तक कि ऑनलाइन तरीके से जो शराब है वो लोगों के पास पहुंचाई गई, एक तरीके से जैसे खाने की डिलीवरी होती है। आप समझें कि किसी भी डिस्टिलरी एजेंसी से
जब एक ट्रक निकलता था शराब का तो वो दिखाया जाता था कि मात्र 200-300 बोतलें आई हैं, और उस ट्रक की जो शराब है वो अवैध तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, अवैध तरीके से बेच दी जाती थी, और उसका जो पैसा है वो सीधे सीधे जो नौकरशाह हैं, इसके अलावा जो राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले लोग हैं, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोग हैं, होटल के कारोबारी हैं, शराब के कारोबारी हैं, उनकी सीधी सीधी जेब में चला जाता था, और राजस्व का एक बड़ी कह सकते हैं कि हानि राज्य को उठानी पड़ती थी। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये पूरा का पूरा स्कैम है। अब इसी ईडी ने इस पूरे मामले में अपनी जो चार्जशीट है वो फाइल कर दी है, और किस तरीके से आपने देखा है कि रायपुर के जो मेयर हैं उनके भाई का नाम है, तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष का किस तरह से हाथ इन लोगों के ऊपर रखा हुआ है। अब इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि ईडी ने परत दर परत उन तमाम सबूतों को अदालत के सामने रखा है कि किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया और किस तरीके से इसके जो पैसे हैं वो नेताओं के पास, कारोबारियों के पास, नौकरशाहों के पास पहुंचे थे। अब आने वाले समय में इनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी, और जो कह सकते हैं कि राज्य सरकार है उसके तमाम जो नेता हैं इनकी जांच के दायरे में हैं, तो इनकी भी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी का कहना है कि अभी चार्जशीट फाइल की है, आने वाले समय में सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो भी फाइल करेगी, और इसके अलावा जांच लगातार चल रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ईडी अदालत को तमाम तथ्यों से रूबरू कराएगी, और उसके बाद अदालत इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। जी 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 एक जो इस पूरे मुद्दे पर एक राजनीतिक हमला भी हुआ है, जाहिर तौर पर 2100 करोड़ रुपए से बड़ा ये अगर शराब घोटाला है तो दिल्ली की ही तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, जिसके तार झारखंड में भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, राजनीति को भी ये प्रभावित करेगा मामला, चुनावी वर्ष है? देखिए, बिल्कुल प्रभावित करेगा, और आप देखें कि जिस तरीके से ये ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, आपने देखा है कि दिल्ली में जब शराब का घोटाला हुआ था कितने बड़े पैमाने पर साउथ की लॉबी है वो इसमें शामिल आई थी। अब आप देखें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से झारखंड से इसके तार जुड़े हुए हैं, तमाम कारोबारी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं, इसके अलावा जो नौकरशाह हैं वो इस घोटाले में शामिल हैं, तमाम झारखंड के जो लोग हैं जो शराब कारोबारी हैं वो इस पूरे घोटाले में शामिल है, तो एक बड़ा ये घोटाला है। और कहीं ना कहीं अगर ईडी इसकी ठीक तरीके से जांच करे तो आप देखें, चाहे वो दिल्ली का घोटाला हो, उसके तार भी झारखंड तक जुड़े थे, साउथ तक जुड़े थे। अगर इस घोटाले को देखें, छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ है, इसके तार अभी प्रारंभिक अगर हम जांच की बात करें और चार्जशीट की बात करें तो झारखंड से जुड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो ये जो मामला है कितना लंबा है ये मामला निकलकर सामने आएगा, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, 2000 करोड़ से ज्यादा का मामला है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी रकम का और ज्यादा खुलासा हो सकता है, यानी अभी इसकी परतें और खुलना बाकी हो सकती है। जी, इसकी अभी और परतें खुलना बाकी है, तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी है या जो विपक्षी दल है वो हमलावर होंगे, ये लाजमी है, और इतना बड़ा अगर घोटाला है तो प्रश्न जरूर उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। तो आज के इस वक्त में बस इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।